विवेक जी, मेरे एक मित्र हैं, वो एक बड़ी देश के दो बड़े उद्योगपति में से कंपनी में काम करते हैं, और वो 2014 में कहते थे, मुझसे कहते थे कि मोदी जी तो भगवान विष्णु का अवतार हैं। 19 तक ये सिलसिला उनका कायम रहा कि वो तो विष्णु के अवतार हैं और वो देश को बदल देंगे। लगभग 1.5 लाख रुपये उनकी तनख्वाह है विवेक जी, 1,60,000 के आसपास। तो जिसकी 1.5 लाख तनख्वाह होती है, वो बजट बना के रखता है कि पेट्रोल में इतना, बच्चों की फीस में इतना, सब्जी में इतना। और 1,60,000 में पिछले 5 सालों में 15 से 20 हजार उनका बजट बढ़ गया, 20 हजार रुपया ज़्यादा चला गया। अब उनको समझ में आया कि उनके विष्णु जी ने तो उनके संग लोचा कर दिया, अब वो बहुत दुखी हैं। तो विवेक जी, जिस देश में लोगों को अपने बच्चों का इलाज कराने के पैसे नहीं है, दो वक्त का खाने के पैसे नहीं है, उस पे हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन मीडिया को जारी किए जा रहे हैं कि पूरा दिन तुम्हें सिर्फ राम मंदिर दिखाना है। क्या देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय होना चाहिए कि वो मंदिर मंदिर भटके? अच्छा है मंदिर, राम मंदिर बनना है, बहुत अच्छा है। हम भी रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बली की हम पूजा करते हैं, तो राम तो उनके आराध्य हैं। लेकिन एक सरकारों का काम मंदिर बनाना, दिए जलाना है क्या? सरकारों का काम क्या है ब्रांड, इसकी ब्रांडिंग करना है क्या? सरकार भूल क्यों रही है कि केवल वोट ही सब कुछ नहीं होते, देश भी कुछ होता है। विवेक जी जी, संजय जी, मैंने सबको सुना और मुझे लगता है कि एक बेसिक बात हम लोगों को भूलनी नहीं चाहिए कि कांग्रेस जो है वो राजनीति में है, और राजनीति एक बहुत ही प्रैक्टिकल फील्ड है। और कांग्रेस ने इससे पहले ये पोजीशन ले ली है कि राम मंदिर के दरवाजे तो राजीव गांधी ने खुलवाए थे, तो ये हम भी राम मंदिर के पक्ष में है, वो इस तरह की डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन राम मंदिर कोई बीजेपी की बपौती नहीं है, इस तरह से एक पोजीशन कांग्रेस ने ले ली है। अब इस पोजीशन से आप पीछे नहीं हट सकते। मैं ये मानता हूँ जो जो बात सैम पिट्रोडा ने कही वो एकदम अपनी जगह बहुत दुरुस्त है, लेकिन राजनीति में कोई बातें जो है, सारी बातें जो है वो सही बात जो है वो हर समय कहना जरूरी नहीं होता है। टैक्टफुली स्ट्रेटेजिकली कई बातें जो है वो पीछे रखनी पड़ती है, और जो प्रैक्टिकल बात है उस प्रैक्टिकल बात के साथ जाना पड़ता है। अब राम मंदिर का जो एक वातावरण देश में बना है, जो बीजेपी ने बनाया है और बनेगा अगले महीने में, तो आप इस तरह से राम मंदिर के बारे में इस तरह की भूमिका लेकर आप एक प्रैक्टिकल राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये मैं कहता हूँ। मैं खुद एथिस्ट हूँ, मैं कभी मंदिर वंदिर नहीं जाता, मैं कभी पूजा भी नहीं करता, लेकिन इस देश में मुझे लगता है कि 95% से ज्यादा लोग तो आस्था रखते होंगे राम राम में, या फिर किसी धर्म में, हिंदू धर्म में, या फिर अपने अपने धर्मों में आस्था रखते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं। अब इतने सारे लोग जो है, इतनी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो राम में आस्था रखते हैं, तो आप अगर राजनीति इस देश में कर रहे हैं तो आप अपने आप को राम से अलग तो नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए टैक्टफुली। आपका भले ही जो पर्सनल बिलीफ क्या है क्या नहीं ये बात अलग है, लेकिन अगर आप राम से पल्ला झाड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल दृष्टि से ये देखना चाहिए। कांग्रेस ये कर सकती है जरूर कि जो मोदी जी उसकी पूजा करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उस समय उसमें शामिल न होते हुए कांग्रेस जब राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, जिस भी समय वो गुजरेगी, उस समय राहुल गांधी ये कर सकते हैं कि वो एक पड़ाव अपना जो है वो राम मंदिर में रख सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर कोई बीजेपी की बपौती नहीं है। राम मंदिर जो है वो सिर्फ बीजेपी और उसके फॉलोअर्स की बपौती नहीं है, सारे। एक बार जब राम मंदिर बन जाए, जब वो रियलिटी हो जाए, तो उस रियलिटी को नकारने का कोई कारण नहीं है। तो आपने फिर इंश्योर करना चाहिए था कि इस तरह की कोई बात बने ही ना। मतलब जब से राम मंदिर का एजिटेशन चला है, आपने तो हमेशा ही थोड़ा सा ड्रैगिंग द फीट जिसको कहते हैं, इस तरह का काम किया है आपने। अगर जो कार सेवक है, जो जो कैंपेन उस समय चला, उस कैंपेन को आप उसी समय अगर नलीफाई कर देते, उसको किसी भी तरह से दबा देते, तो शायद आज ये वक्त नहीं आता। आपने उसको चलने दिया क्योंकि आप पॉलिटिकली करेक्ट पोजीशन भी लेना चाहते थे। तो धर्म ये व्यक्तिगत एक आस्था का विषय है वगैरह, ये सब बातें अपनी जगह बराबर है,
लेकिन प्रैक्टिकल राजनीति जो है, रियल पॉलिटिक जो है, क्या वो आपको अलाउ कर रहा है आप राम मंदिर से पल्ला झाड़ लें? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कांग्रेस को, राहुल गांधी को राम मंदिर में जाना चाहिए, उस समय नहीं लेकिन जिस समय मोदी जी जा रहे हैं, जिस समय प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। बीजेपी के पॉलिटिकल प्रोग्राम में राहुल गांधी ना जाए, लेकिन एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद जब उनकी यात्रा वहां से गुजरेगी तो दर्शन के लिए उन्होंने जाना चाहिए। वैसे भी राहुल गांधी ने इस तरह के काम पहले भी किए हैं, वो आरती भी मंदिरों में जाकर की है, मैं जन्मोद्धारी ब्राह्मण हूँ ये भी बताया है, गोत्र भी बताया है। अब यहाँ से आप पीछे कहाँ से हटेंगे? यहाँ से आप पीछे नहीं हट सकते। तो सैम पिट्रोडा जो है, मुझे लगता है कि सैम पिट्रोडा कोई कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, वो अपनी जगह अपनी बात कहेंगे, वो टेक्नोक्रेट है, उसके ऊपर बीजेपी को इतना बवाल करने की जरूरत नहीं। अगर राहुल गांधी ने ये बात कही होती या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये बात कही होती तो बात अलग है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। तो कांग्रेस ने कभी राम मंदिर का इस तरह से विरोध किया है ये ऐसा नहीं है। इसलिए बीजेपी का जो बवाल है उसका वैसा कोई अर्थ नहीं, लेकिन आप अगर राम मंदिर को धुतकारेंगे, राम मंदिर के बारे में निगेटिव अप्रोच लेके आप काम करेंगे तो आपका इलेक्शन में नुकसान होगा। तो आपको अभी तो इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन में प्रैक्टिकली आपको काम करना है। तो ये जो प्रिंसिपल वाली बात है वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन आज वो बात, उस तरह का स्टैंड लेने का समय नहीं है, क्योंकि आज वैसे भी आप स्टिकी विकेट पर है, आप लूजिंग विकेट पर है। आपको अगर और ज्यादा पीछे बैकस्लाइडिंग आपका करना है, करवाना है खुद का, तो आप ये इस तरह की बात करें। मुझे लगता है कि वो जो एक राम मंदिर का ये जिस तरह से एक वातावरण बनाया जाएगा अगले महीने में, पूरे महीने भर में, तो उससे बीजेपी अपने वोटर्स को रिचार्ज करेगी, और जो वोटर्स उनके साथ जुड़े हैं वो फिर से बीजेपी को ही वोट करेंगे, और उसके साथ और भी ज्यादा संख्या में बीजेपी के साथ लोग जुड़ेंगे, ये बीजेपी इंश्योर करेगी। आप ये कम से कम इंश्योर ना करें कि आपके साथ जो जुड़े हैं वो आपसे खिसक जाए। मुझे लगता है प्रैक्टिकल राजनीति का जो एक तकाजा है वो ये कहता है कि आप राम मंदिर के बारे में इस तरह से कोई भी निगेटिव बात ना कहें, और आप ये इंश्योर करें कि आप जब उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जाए तो आप उस समय राम मंदिर जाइए, और आप उस मस्जिद कमेटी से भी मिलिए जो वहां पर बाबरी मस्जिद जो है उस दूसरे स्थान पर बनाना चाहती है, और आप उस स्थान पर भी जाइए, और उन लोगों को भी, आपको जो भी डोनेशन करना है, डोनेशन देना है वो भी दीजिए। आप दोनों तरफ अच्छा मैसेज करिए, उससे आपको फायदा होगा, वरना आपको, आपका नुकसान होना तय है। इस तरह की निगेटिव बातें आज राम मंदिर के बारे में करना ये कांग्रेस के लिए नुकसानदेह होगा, ऐसा मुझे लगता है संजय जी।